दोस्तों, हम इंसान आए दिन ब्रह्मांड में दूसरी धरती की तलाश में जुटे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम धरती पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। कई रिसर्च से सामने आया है कि आने वाले कुछ सालों में धरती का विनाश हो जाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखकर नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अपना मिशन ब्रह्मांड में लॉन्च किए हैं, ताकि वो हम इंसानों के रहने लायक ग्रह खोज सके जो कि हमारे धरती से काफी मिलता जुलता हो। ऐसे ही एक मिशन के दौरान नासा के केपलर टेलीस्कोप ने एक ऐसा ग्रह खोज निकाला है जो कि बिल्कुल हमारे पृथ्वी जैसा ही है, और उस ग्रह का नाम केपलर 1649C है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। 30 अक्टूबर 2018 को केपलर टेलीस्कोप का ईंधन खत्म होने के कारण इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन इस दिन के पहले नासा के केपलर टेलीस्कोप के द्वारा काफी डाटा भेजा गया था, और 15 अप्रैल 2020 के दिन इन्हीं सारे डाटा को स्टडी करते टाइम नासा के वैज्ञानिकों को केपलर 1649 के बारे में पता चला। केपलर 1649C ग्रह अपने पैरेंट स्टार का इतना दूरी पर चक्कर लगाता है कि यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में रहना कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। केपलर 1649C को धरती के जैसा बनने के लिए कई सारे रीजन हैं, जैसे कि इसका रेडियस हमारी धरती के तुलना में 1.06 गुना ही ज्यादा है, और इसका मास धरती के तुलना में 1.2 गुना ज्यादा है। हमारी धरती पे सूरज से जितनी ऊर्जा पहुँचती है उसका 75% ऊर्जा केपलर 1649C ग्रह पे इसका पेरेंट स्टार से पहुंचती है। एक बात चौंकाने वाली है कि केपलर 1649C अपने पेरेंट स्टार जिसका नाम केपलर 1649 है अपने हैबिटेबल जोन में रहकर 19.5 दिनों में ही ऑर्बिट कर लेता है। यानी कि धरती पर एक साल होने पर जहां 365 दिन लगते हैं, वहीं केपलर 1649C ग्रह पर एक साल मात्र 19.5 दिनों में ही हो जाते हैं। अपने पेरेंट स्टार का ऊर्जा 75% एब्जॉर्ब करने के कारण केपलर 1649C ग्रह का तापमान बिल्कुल हमारे पृथ्वी जैसा ही है, और यहाँ तक कि इस ग्रह पर पहाड़ मौजूद होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। साइंटिस्ट ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि अगर केपलर 1649C का तापमान, एटमॉस्फेयर, पानी की उपस्थिति थोड़ी सी भी अर्थ से मिल गई तो आने वाले भविष्य में केपलर 1649C शायद हमारा नया घर हो सकता है, और हम यहाँ इंसानी बस्ती बसा सकेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों को इस ग्रह को लेकर इस चीज की चिंता सबसे ज्यादा सता रही है, वो है धरती से केपलर 1649C की दूरी, जो कि करीब 300 लाइट ईयर के आसपास है। यानी अगर हम प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो केपलर 1649C तक पहुंचने में हमें 300 साल लग जाएंगे, जो कि नामुमकिन बात है, क्योंकि इंसानों के पास ऐसा कोई मशीन या स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो कि प्रकाश की गति हासिल कर सके। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में हम इंसान इतना एडवांस हो जाएंगे कि ऐसा कोई स्पेस क्राफ्ट बना सके, लेकिन तब तक हमें वेट करना है। केपलर 1649C जिस सितारे का चक्कर लगाता है उसका सोलर सिस्टम में सिर्फ दो ही ग्रह हैं। एक है केपलर 1649B, इसका एटमॉस्फेयर हमारे बुध ग्रह जैसा है, और दूसरा है केपलर 1649C जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये ग्रह जिस सितारे का चक्कर लगाता है उसका आकार हमारे सूरज से काफी छोटा है। अगर इसकी साइज की बात करें तो ये स्टार हमारे सूरज से 4 गुना छोटा है। इसी कारण ये तारा बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। केपलर 1649C इसके काफी पास होने के बावजूद भी इसकी सतह का तापमान काफी कम है। केपलर 1649C इंसानों के लिए रहने लायक है ये कहने के पीछे का कारण है कि मंगल ग्रह पर तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो अगर भविष्य में इंसानी बस्ती बसा सके तो इन सारे एक्सोप्लैनेट पे बस्ती बसाना हमारे लिए काफी आसान होगा, बस हमें इन प्लैनेट तक पहुंचने की देरी है। नासा ने 4,100 खोजा है जो कि इंसानों के लिए रहने लायक है, जिसमें से केपलर 1649C एक है। हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम इंसान ऐसी मशीन बना लेंगे कि जो कि कितनी भी दूरी तय कर सके, लेकिन ये तो आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप जानना चाहते हैं कि भविष्य में AI इंसानों को कैसे खत्म कर देंगे तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।